जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और सिजलिंग अक्षरा सिंह लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी को तैयार है। वे दोनों जल्द ही भोजपुरी फिल्म जानलेवा में नजर आने वाले हैं, जिसका भव्य मुहूर्त आज एबी स्टूडियो न्यू असोआ अंधेरी मुंबई में किया गया। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिन्होंने फिल्म की सफलता की कामना की। इस फिल्म की शूटिंग 20 जनवरी से रायबरेली में होगी। डॉक्टर एस के श्रीवास्तव प्रस्तुत फिल्म जानलेवा का निर्माण खुशी क्रिएशन और कम्युनिकेशन के बैनर तले किया जा रहा है। इस फिल्म के निर्माता है श्री श्रीवास्तव। इस फिल्म में एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ और अक्षरा सिंह के साथ शंकर मिश्रा, मनोज टाइगर, महिमा गुप्ता, दीपक भाटिया और जफर खान भी नजर आएंगे। फिल्म की कहानी सामाजिक और पारिवारिक है। इस फिल्म के बारे में इस फिल्म से जुड़े लोगों ने क्या कहा, ये जानते हैं। तो आगे क्या प्लान है और शेयर जी को कितना कंपनी है साथ में देने के लिए? ऑफ कोर्स मैं तो लाइक इतनी ज्यादा खुश हूँ और उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, वो भी दिनेश जी के साथ। एंड लाइक आई एम सो हैप्पी। श्रेय जी आप कितना खुश हैं? मुझे अच्छी हीरोइन मिली तो मैं तो खुश हूँ। डेफिनेटली जिस तरह का कैरेक्टर है वो महिमा पे जाता है, डेफिनेटली आई एम हैप्पी। दिनेश लाल यादव हीरो हीरोइन अक्षरा जी, क्या दोनों को आप संभाल पाएगा? वो दोनों एक दूसरे को संभालेंगे, मुझे नहीं संभालना है। जो रोल है दोनों पे एकदम सही जाता है और दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संभालने की बात आएगी किसी को। लंबे अरसे के बाद आप फिर से भोजपुरी में लौटे हैं, क्या कुछ कारण रहा गैपिंग का? कुछ अच्छा सब्जेक्ट, कुछ अच्छे स्टार्स नहीं बन रहे थे बनाने के लिए, इसलिए नहीं बने। अब लग रहा है कि बनाना चाहिए तो फिर से वापस आ रहे हैं। पहले आपकी कौन कौन सी फिल्में आ जाएगी, जरा नाम बता दीजिए। पहले मेरी भोजपुरी में एक चिंगारी बनाई थी मैंने, और इसके बाद ये वाली पिक्चर है। और ये शूटिंग कहाँ करने वाला, कब से होगी इसकी? ये रायबरेली में हो रही है, लखनऊ के पास, 20 तारीख से। और उसके बाद हम लोग लखनऊ में करेंगे 10-12 दिन बाद। पूरा यूपी में ही हमारा शूट है, लखनऊ के आसपास। फिल्म के कलाकार की बात करें तो कौन कौन से कलाकार अभी तक फाइनल हो चुके हैं इसमें? जैसे अक्षरा है, महिमा है और शंकर मिश्रा है, टेलीविजन के अच्छे एक्टर हैं वो भी हैं। बाकी यूपी के बहुत सारे कलाकार हैं जिसमें, अभी दीपक भाटिया जी भी हैं। फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। हाँ, केडी जी तो बड़े डायरेक्टर हैं, सबको पता है, निरहुआ रिक्शा देने वाले हैं, तो इस बार भी कमाल करेंगे। अभी तक कितना उन्होंने परेशान किया आपको? परेशान शायद मैं ही उनको करता हूँ, वो नहीं करते। सर अभी तो अभिनेता के तौर पे लगते हैं, काफी जो व्यक्तित्व है उसके, बताइए अभिनेता के तौर पे अपने को। नहीं, एक्चुअली मैं हूँ डायरेक्टर, एक्टर मैंने किया है भोजपुरी चिंगारी में, मैंने नेगेटिव की थी। अच्छा। लेकिन अभी इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ प्रोड्यूस करूँ पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर है, काफी लोग हैं, तो एक ही काम करना जरूरी है। भोजपुरी में म्यूजिक बहुत मायने रखता है, क्या कुछ खास तैयारी म्यूजिक के लगे? म्यूजिक में हमने सारा अपना जिम्मेदारी ओम झा को दे दी है, उन्होंने काफी हिट फिल्में दी हैं, हिट गाने दिए हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा काम करेंगे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे दिनेश जी के बारे में? कुछ दिनेश सर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, लाइक हम उनके साथ काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा हो, हमारी फिल्म हिट जाए और आज हमारा मुहूर्त है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। अक्षरा जी हीरोइन है, अभी हीरोइन है जी, तो क्या दोनों में ट्रेनिंग बैठेगी? ऑफ कोर्स बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी, शी इज एक्टर, आई एम आल्सो एक्ट्रेस, सो लाइक एक्टर की ट्यूनिंग तो हमेशा बैठती है और इस बार भी बैठेगी और बहुत अच्छी बैठेगी। लेकिन हिंदी फिल्म में अगर दो एक्टर्स रहती हैं, कोई भी फिल्म हो, तो इतना आसान नहीं होता दोनों में ट्यूनिंग जमना, मतलब। और अक्षरा जी एक नामी गामी मतलब एक्ट्रेस, बताइए क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि जितने बड़े एक्टर होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, राइट? सो मैंने जहाँ तक उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, शी इज रियली गुड, शी इज रियली काइंड, सो लाइक हमारी ट्यूनिंग बहुत बैठेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दिनेश जी और अक्षरा जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो सबसे पहले तो जानलेवा का इस टाइटल से थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि सोशल कॉमेडी के साथ ही दिनेश जी का एकदम एक अलग रूप पेश करने की हम कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर में, और ये सब फुल ऑफ कॉमेडी, सोशल फैमिली ड्रामा, जो आजकल से बिकॉज टू मच ऑफ फील आई है कि बहुत सेम टाइप लग रही है, तो वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लेस सिक
कितना हम सक्सेस होते हैं। तो सर अपने डिफरेंट की बात की, कुछ अलग करने की बात की, तो काफी दिनों से आपके क्षेत्र में क्या डिफरेंट पा रहे हैं अभी के दौर में आपका भोजपुरी फिल्मों में? मैं एक्चुअली काफी दिनों से भोजपुरी से थोड़ा सा दूर हो गया था, लेकिन नाउ इज ग्रोइंग, अगेन इज ग्रोइंग। जैसे ही ग्रो हो रहा मैं वापिस आ गया, लालची इंसान होते निरहुआ रिक्शा वाला के बाद से लेकर अभी तक क्या कुछ भोजपुरी में बदलाव आया है? टेक्निकली बहुत अच्छी हो रही है, टेक्निकली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, हर डायरेक्टर भी इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं और जो पिक्चर बना रहे हैं जो मैंने देखी, इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है, नो डाउट। फिल्म में जान लेबू का हूँ मैं, हमने अक्षरा जी को कास्ट किया है जिससे कि हमेशा अमरपाली जी दिनेश जी के साथ आती हैं नजर, क्या कुछ खास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं, मैं अमरपाली जी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनकी दोस्तों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। बट द थिंग वाज दैट कि हम लोग के जो ओल्ड पीपल थिंकिंग ऑफ जो हम लोग ने एक रोल डिसाइड किया था उसके अंदर अक्षरा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए भी एंड देखने का मैं और चीज़ क्या था कि थोड़ा सा था कि थोड़ा सा वेरायटी में वेरिएशन में पर्दे के ऊपर वेरिएशन में। नहीं सर, मैं संतुष्ट नहीं इस आंसर से, आप जैसे खूबसूरत तो सनी लियोनी भी लगती है। उसको कोशिश कर रहे हैं, आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद एक दर्शक को सरप्राइज मिलने वाला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सभी को हाय प्रणाम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लॉकडाउन के बाद इतनी अच्छी स्टोरी थी, अच्छी स्क्रिप्ट के साथ एक पिक्चर आ रही है जान लेबू का। जब नाम ही पिक्चर का ऐसा है तो पिक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी, और सबसे अच्छी चीज़ ये है प्रोड्यूसर जो हैं उसके शेर जो हैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और वो एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं, और डायरेक्टर जो है पेड़ी जी हैं, नो डाउट बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो जब इनकी जोड़ी के साथ जब कोई पिक्चर आएगी तो ऑब्वियसली बात हो बहुत ही अच्छी होगी, धमाकेदार होगी, कहानी अच्छी होगी, शूटिंग अच्छी होगी, क्योंकि जहाँ पे प्रोड्यूसर अच्छा होता है, डायरेक्टर अच्छा होता है, और स्टोरी अच्छी होती है, आर्टिस्ट इतने अच्छे होते हैं कि अक्षरा जी, दिनेश जी हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि एक अच्छी पिक्चर हमारी ऑडियंस के सामने आएगी, और मैं बस यही शुभकामनाएं दूंगी पिक्चर को कि ये पिक्चर ऑडियंस को बहुत पसंद आए और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे, जो मुझे उम्मीद है कि हाँ खरी उतरेगी, क्योंकि जोड़ी सभी की बहुत अच्छी है, जहाँ तक है डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट, और ओम झा जो है उनका म्यूजिक है, जहाँ पर ओम झा का म्यूजिक आ जाता है तो बहुत ही अलग हो जाती है, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं पिक्चर में सभी लोग। तो बस मैं चाहूँगी जल्दी से पिक्चर कम्प्लीट हो और हम लोग को देखने के लिए मिले। सुबीर शर्मा जी आपकी दोस्त हैं, अक्षरा जी और दिनेश जी की लगता है जान लेने वाले हैं, या दिनेश जी उसके लेने वाले हैं, तो आप बचाने के लिए बीच में टपकने वाली हैं? नहीं, मैं एडवांस में आपको हिंट दे रही हूँ, अब जब पिक्चर ये है जान लेबू का, तो अब कौन किसकी जान लेगा वो तो मुझे पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि सस्पेंस है कौन किसकी जान पे आएगा या व्हाटएवर जो भी कुछ होगा, तो पिक्चर को देखने के बाद में पता चलेगा। और जहाँ तक बात अक्षरा जी की, दिनेश जी की, तो दोनों कौन किसका जाने का तो वक्त बताएगा, फिलहाल ये बताइए फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत पुराने हैं और सीनियर डायरेक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और नो डाउट सीनियर डेफिनेटली, इसलिए तो मैंने बोला कि पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी शूट होगी, जबकि डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, तो डेफिनेटली पिक्चर तो कुछ धमाल करेगी। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति, कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति सभी को, और पीनी खाइए, स्वीट्स ज्यादा मत खाइए, बट हाँ थोड़ी सी खाइए, पकौड़े खाइए, आज के दिन संक्रांति है, एंजॉय कीजिए, क्रांति आज क्रांति करिए, आज क्रांति मत कीजिए, संक्रांति सिर्फ संक्रांति। हाँ देखो पकौड़े मांगने शुरू हो गए, वो भी वो वाले दाल वाले। हाँ ये बात कर रहा हूँ, और इसके निर्माता हैं श्रेय जी, और बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा गाना बन रहा है, मैं और पूरी टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आज एक गाना से शायद हम मुहूर्त करेंगे, आज तो मुहूर्त के बाद एक गाना शायद अक्षरा जी गाएंगे या दिनेश जी गाएंगे, दोनों में से कोई, तो बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ है ऐसा मुझे लगेगा।
तो ये कहना चाहता हूँ कि दिनेश जी के पास में जो काम किए हैं, अक्षरा जी काफ़ी हिट हुआ है फिल्म, और अक्षरा सिंगर के तौर पर भी काफ़ी हिट हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म में उनका उनके द्वारा गायकी क्या कितना फायदा? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा कह रही हैं अभी, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट दो तीन गाने वो खुद गाएँ, और बाकी मार्केट के सारे सिंगर रहेंगे, लेकिन उनके हिसाब का जो दो तीन गाना रहेगा हम डेफिनेटली चाहेंगे कि गाएँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा गा रही है। और मैंने पिछले अभी हमारी फिल्म शुभ घड़ी आए पास ट्रेलर लीज हुआ, उसमें मैंने उनसे एक दो गाने गवाए थे और वो बहुत अच्छा गा रही है। तो किस तरह बेसिकली सिचुएशन ज़्यादातर कैसा होगा, कितने सारे गाने होंगे, सिचुएशन क्या होगा ज़्यादातर? नहीं, सारे बहुत कॉमर्शियल सिचुएशन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फिल्म का, कॉमेडी, और कॉमेडी अचानक सीरियसनेस पर फिल्म आ जाती है और बहुत सीरियस हो जाती है फिल्म, मेरी बहुत क्लास फिल्म है, और मुझे जो सिचुएशन मिले हैं मुझे लगता है कि उस सिचुएशन के 90% बहुत कमर्शियल हैं और बहुत धमाल सॉन्ग सुनने को मिलेंगे ऐसा लगता है। तो हम ये बताइए, काफ़ी तुम्हें संगीत दे रहे हैं बहुत बड़ी फिल्मों में, क्या कहना चाहेंगे, कितना आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है आजकल के दौर में, या क्या अलग करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से आप? नहीं, अलग करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग, बेचक आप हमारी बहुत सारी फिल्मों में हम सब लोग कर रहे हैं, भोजपुरी के सब लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे रंग ज़रूर लेके आएगी ये कोशिश। और अगर ये संदर्भ में बोलते हैं कुछ लोग कि म्यूज़िक अच्छा नहीं ख़राब है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि म्यूज़िक कभी ख़राब हो रहा है, तरीका बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, जैसे लोगों की पसंद है हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पुराने ऑर्केस्ट्रा को नहीं लेके आ रहे हैं, जब ऐसा वक्त आएगा तो हम वापस उसमें आएंगे, बट अभी जो पब्लिक को चाहिए होती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसी को उतर, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा जहाँ बजता है गाना वो मुझे बहुत हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है कि अल्टीमेटली गाना बजना कहाँ है, जिस जगह पे बजेगा उसका साउंड डिजाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस जगह को सूट करे और गाना हमारा चले। तो जो बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं कुछ तो गाते हैं भोजपुरी फिल्म में, लेकिन काफ़ी लोग नहीं भी गाते, उसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि साउथ में गाते हैं, हर जगह गाते हैं भोजपुरी फिल्म नहीं, से क्या उनको ये उनकी सोच हो सकती है। वैसे बॉलीवुड के बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स भी गाए हैं, आप अगर नाम ले रहा हूँ तो काफ़ी है मशहूर, जो टॉप पे हैं हमारे उदित जी गाए हैं, कुमार शानू जी गाए हैं, अलका जी गाई हैं, अनुराधा जी गाई हैं, आशा जी गाई, किसने नहीं गाया। तो अगर कोई अगर एक दो लोग अगर वाइड करना चाह रहे हैं तो मैं उस मामले में नहीं बोलना चाहता, बट ये अच्छा नहीं है, गाना चाहिए क्योंकि म्यूजिक तो म्यूजिक है। उदित नारायण जी कहते हैं कि आजकल भोजपुरी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनसे गाना नहीं गवा रहे हैं, तो क्या आप कभी उनको याद नहीं करते हैं कि कुछ अलग चीज़? ऐसा नहीं, उनको याद कर ये वगैरह तो रह नहीं सकते, उनके हिसाब का उनके मिजाज का गाना थोड़ा बनना कम हुआ है एक्चुअली, बात ये है, अब भी जब भी मेलोडी की बात आती है तो उदित जी से बढ़िया ऑप्शन हमारे पास कभी नहीं, क्योंकि सच्चाई तो जब भी हमने बेटा में बहुत सारी फिल्मों में उदित जी के साथ किया है, हाँ कम ज़रूर हुआ है क्योंकि थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ है पब्लिक, बाकी उदित जी को भूल के तो कुछ कर नहीं। पानीपुरी का टेस्ट चेंज हो गया है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिल्म में दिनेश जी और अक्षरा जी काफ़ी टाइम के बाद साथ में आएंगे, तो लीड में दोनों एक साथ नहीं आए हैं, हर फिल्म में कहीं ना कहीं अमरपाली जी रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में अमरपाली जी नहीं है, सिर्फ अक्षरा जी नजर आ रही हैं, तो दोनों की जोड़ी के लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगेगा, अमरपाली जी तो मेरे बहुत काम किए, बहुत उनके गाने के हिटेड गाने किए और मजा आ गया, अभी भी दिनेश जी के साथ, अभी सडनली अभी 3 दिन पहले भी दिनेश जी के साथ था और हम लोग बहुत सेट पे एकदम ऐसा लगता है ना जब मेरा कब गाना खत्म होता है क्या, हम लोग बहुत हंसी मजाक से और एकदम फैंटास्टिक, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिल्म में कितने गाने आप प्रोग्राफ कर रहे हैं? पूरे फिल्म के गाने अभी तक तो पूरे कर रहे हो, हमारे डायरेक्टर साहब केडी इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, बहुत पावरफुल डायरेक्टर, जो उन्होंने दिनेश भैया के साथ रिक्शा वाला सुपर बम्पर हिट सुपर डुपर हिट फिल्म, मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का पाजा पलटी कर दिया था, खासे का लेवल लेके गया था, तो बस पूरे गाने कर रहे हो फिल्म। और कौन कौन सी फिल्म आपकी इस साल रिलीज होने वाली है? काफी काफी, जस्ट अभी संजय सर मैं अभी लंदन में थे, मैंने लंदन में अभी 7 फिल्म किए, 7 मूवी, पवन जी थे, खेसारी थे, अभी दिनेश भैया की, काफी मेरा तो पूरे क्या बताओ, अब तो देखी जाएगा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, बस भगवान ने जो लेवल पे आज लेके गया, बस कर ही रहो काम कर रहो। कैसा लगा लंदन आपको भोजपुरी फिल्म में शूट करके? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, अरे अरे भैया क्या बताओ, स्पेशल फिल्म यशराज, मजा आ गया काम करके, काफी हम लोग सब लोग अच्छे से काम किया और अच्छे से आए। थैंक यू सर। उन्होंने काफी आराम से फॉलो करती है और ये तो लाइक